गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर न्यू एना फिजियो क्लास इन विच टुडे वी विल स्टडी अबाउट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस, दैट इज़ द अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. हम लोगों ने जनरल एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ लिया था, फिर ओवम का डेवलपमेंट और इम्प्लांटेशन पढ़ लिया था, अब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं. तो देखिए, हमने पढ़ा कि ब्लास्टोसिस्ट का जो आउटर सेल मास होता है वो ट्रोफोब्लास्टिक लेयर बनाता है, और इनर सेल मास जो है वो एम्ब्रियोब्लास्ट बनाता है. इनर सेल मास 8वें दिन डिफरेंशिएट हो करके पहले तो बाई लैमिनर जर्म डिस्क बनाता है, जिससे कि डॉर्सल एक्टोडर्म लेयर बनती है और वेंट्रल एंडोडर्म लेयर बनती है. डॉर्सल लेयर जो है वो टॉल कॉलमनर सेल्स की होती है, जिसको एक्टोडर्म अपन कह रहे हैं, और वेंट्रल लेयर जो है वो फ्लैट पॉलीहाइड्रल सेल्स की बनी होती है, जिसको अपन एंडोडर्मल लेयर कहते हैं. तो ये दो लेयर बनती है, इसलिए इसको अपन बाई लैमिनर जर्म डिस्क कहते हैं, जो कि कब बनती है, 8वें दिन डिफ्रेंशिएट होती है. ये बाई लैमिनर जर्म डिस्क जो है वो ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ी रहती है मेसेनकाइमल कनेक्टिंग स्टॉक के द्वारा, जिसको अपन बॉडी स्टॉक कहते हैं, और बाद में यही बॉडी स्टॉक आगे चलकर अम्बिलिकल कॉर्ड बनाता है. ठीक है, तो भाई कल हम लोगों ने पढ़ा था, पहले की क्लास में हमने पढ़ा कि जो मोरूला है वो आगे डेवलप होकर के ब्लास्टोसिस्ट बनाएगा. ब्लास्टोसिस्ट में आउटर और इनर सेल मास, दो सेल मास होते हैं. आउटर सेल मास जो है वो तो ट्रोफोब्लास्ट बनाएगा, और इनर सेल मास जो है वो एम्ब्रियोब्लास्ट बनाएगा. और ट्रोफोब्लास्ट से कोरियन और प्लेसेंटा बनेंगे, ये चीज़ हमने कहा था. और इनर सेल मास से एमनियन वगैरह अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगी. जो इनर सेल मास है तो वो अलग अलग स्ट्रक्चर में क्या करता है, पहले तो 8वें दिन डिफरेंशिएट होकर के बाई लैमिनर जर्म डिस्क जो है वो डॉर्सल और वेंट्रल लेयर बनाती है. डॉर्सल लेयर टॉल कॉलमनर सेल की बनी है, जिसको एक्टोडर्म कह रहे हैं. इंडर जो है वो फ्लैट पॉलीहेडल सेल्स की बनी है, जिसको एंडोडर्म कहते हैं. ये बाई जनरल जर्म डिस्क जो है वो मेसेनकाइमल कनेक्टिव स्टॉक के द्वारा ट्रोफोब्लास्ट से जुड़ी होती है. उस स्टॉक को अपन बॉडी स्टॉक कहते हैं, और यही स्टॉक आगे जाकर के अम्बिलिकल कॉर्ड बनाएगा. अब एमनियोटिक कैविटी और यॉर्क सैक बनेगा. क्या होता है कि दो कैविटीज़ जो होती है वो बाई लैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क के दोनों साइड पाई जाती है, एक डॉर्सल कैविटी और एक वेंट्रल कैविटी. डॉर्सल कैविटी एक्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्टिक लेयर के बीच में बनी होती है, जिसमें मेसेनकाइमल की लाइनिंग पाई जाती है. इस कैविटी को अपन एमनियोटिक कैविटी कहते हैं. मेसेनकाइम मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू है, जो इसको जोड़ करके रख रहा है. तो डॉर्सल कैविटी एक्टोडर्म और ट्रोफोब्लास्टिक लेयर के बीच में, इसको एमनियोटिक कैविटी कहते हैं. जबकि वेंट्रल आस्पेक्ट की कैविटी में प्रिमिटिव मेसेनकाइम की लाइनिंग पाई जाती है आउटसाइड पर, और एंडोडर्मल लेयर जर्म सेल डिस्क पर इनर साइड में बनती है. इससे क्या बनेगा, यॉर्क सैक बनेगा, इनर साइड में यॉर्क सैक. अब दूसरे हफ्ते में ये इनर सेल मास डिवाइड होता है एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में, जिससे कि दो फ्लूइड फिल्ड सैक बन जाएंगे. दो फ्लूड से भरे हुए थैले, एक एमनियोटिक सैक और एक यॉर्क सैक. एमनियोटिक सैक एपिब्लास्ट से बनता है, जिसमें कि एम्ब्रियो रहेगा, और बाद में ये एम्ब्रियो फीटस में डेवलप हो जाएगा. बर्थ तक वो फीटस में रहेगा, जो कहाँ रहता है, एमनियोटिक सैक के अंदर. इनर सेल मास एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में डिवाइड होता है, फिर दो फ्लूड फिल्ड सैक बनते हैं. एमनियोटिक सैक एपिब्लास्ट से बनता है, जिसके अंदर एम्ब्रियो रहेगा, और ये एम्ब्रियो आगे जाकर फीटस बनाएगा, और अल्टिल बर्थ तक ये फीटस के फॉर्म में ग्रो होता रहता है, डेवलप होता रहता है. यॉर्क सैक जो है हाइपोब्लास्ट से बनती है. एपिब्लास्ट है एमनियोटिक सैक, हाइपोब्लास्ट है यॉर्क सैक, जो कि एक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा मदर अपने अर्ली एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है. अर्ली एम्ब्रियो को क्यों, क्योंकि लेटर एम्ब्रियो को तो प्लेसेंटा से सप्लाई करेगी. अर्ली एम्ब्रियो को यॉर्क सैक के द्वारा मदर जो है वो न्यूट्रिएंट सप्लाई करती है. तो ये दो सैक्स बनेंगे. बाई लैमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क जो है उसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो कि गिव राइज टू द होल बॉडी, इसी से पूरी पूरी बॉडी बन रही है. अब ये डायग्राम में देख लीजिए भैया, हमने बोला ये इनर सेल मास, उसके चारों तरफ ट्रोफोब्लास्ट, ये तो छठे दिन. फिर ट्रोफोब्लास्ट आगे डेवलप हो रहा है, इनर सेल मास भी अपने नंबर को बढ़ा रहा है. 7th डे पर ये वॉल ऑफ यूट्रस के अंदर धंस गया.
फिर ये एपिब्लास्ट आपको क्लियर दिखाई गई है जो क्या बनाएगी, एमनियोटिक सैक कैविटी बनाएगी एपिब्लास्ट, जबकि हाइपोब्लास्ट इसके चारों तरफ आपको पेल येलो कलर में दिखाई दे रही है और उसके चारों तरफ पिंक कलर में ट्रोफोब्लास्ट दिख रही है। अब ये एमनियन बन गया और ये एमनियोटिक कैविटी बन गई और वहाँ पर ये जो हाइपोब्लास्ट था ये तो बना था एपिब्लास्ट से, एमनियन और एमनियोटिक सैक कैविटी। ये बाइलेमिनल एम्ब्रियोनिक डिस्क है जिसके दूसरी लेयर है हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट यॉर्क सैक कैविटी बनाती है जो कि न्यूट्रिएंट देगा अर्ली एम्ब्रियो को। ये ट्रोफोब्लास्ट से बनने वाली लेयर बताई गई है। अब ये थर्ड वीक पर देखिए भाई डेवलपमेंट जरा, बाइलेमिनर से अब क्या बनेगी, ट्राइलेमिनर डिस्क। शुरुआत में तो मैंने कहा बाइलेमिनर डिस्क बनेगी, अब ट्राइलेमिनर डिस्क। तीन प्राइमरी जर्म लेयर्स बनती है जिससे कि बाकी सारे बॉडी टिश्यू डेवलप होंगे। वो जर्म लेयर कौन सी है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। पहले केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म थी, अब बीच में ये मीजोडर्म लेयर भी जो है वो बन जाती है। डायग्राम में देखते हैं भाई, देखिए ये एम्ब्रियो दिखाया गया है। सबसे पहले एमनियोटिक सैक और यॉर्क सैक दो कैविटी उसके अंदर दिखाई गई हैं। अब इन्हीं कैविटी को केवल इलैबोरेट करके यहाँ दिखाया गया है सेकंड डायग्राम में। ये टर्न हो गए 90 डिग्री पर, ये एमनियोटिक सैक, नीचे यॉर्क सैक। ये इसका 3D व्यू दिखाया गया है, ये सेक्शन काट करके व्यू दिखाया गया है। ये बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क एकदम क्लियर दिखाई दे रही, दो दो लेयर है इसकी। अब देखिए बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क का लेटरल सुपीरियर व्यू देखिए, ये कट एज है ये एमनियन की, ये यहाँ से टेल बताई गई, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है। ये हाइपोब्लास्ट जो कि यॉर्क सैक कैविटी बना रही है और ये ऊपर एपिब्लास्ट जो कि एमनियोटिक कैविटी बना रही है। अब यहाँ पर देखते हैं इस डायग्राम के अंदर आगे, यहाँ तक ये जो ई डायग्राम था ये ई को यहाँ पर बड़ा करके दिखाया गया है ऊपर। इस ई से आगे बताते हुए एफ डायग्राम के अंदर जो है वो कट एज का जो है वो सुपीरियर व्यू दिखाया गया एम्ब्रियोनिक डिस्क का। ये यॉर्क सैक दिखाई दे रहा है, ये लेफ्ट राइट पार्ट है, ये प्रिमिटिव नोड है इसकी, ये सेक्शन दिखाया गया, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक जो है यहाँ पर क्लियर दिखाई गई है। अब जी वाले डायग्राम में देखिए ये एपिब्लास्ट की सेल्स देखिए कितनी क्लियर, और हाइपोब्लास्ट की सेल्स, एपिब्लास्ट जिसने एमनियोटिक कैविटी और हाइपोब्लास्ट जिसने यॉर्क सैक कैविटी बनाई थी, इनकी देखो यही एंडोडर्म बना रही है आगे जाकर के। डायग्राम में बहुत क्लियर दिखाया गया हाइपोब्लास्ट एंडोडर्म बन रहा है, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक दिखाई गई है। 14 से 15 दिन चलता है डेवलपमेंट, 16 दिन क्या चल रहा है भाई, ये मीजोडर्म भी डेवलप हो गई बीच में। ये डेफिनेटिव एंडोडर्म येलो कलर की जो एकदम क्लियर एंडोडर्म है, ये बाहर ब्लू कलर से एक्टोडर्म और बीच में रेड कलर की जो वो मीजोडर्म दिखाई गई, क्योंकि अब ये तीन लेयर जो है 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स यहाँ पे बन चुके, तो बाइलेमिनर से ट्राइलेमिनर डिस्क बन चुकी है, ये तीसरे हफ्ते में बनती है। अब ये तीन जर्म लेयर का फॉर्मेशन देखिए, जो प्रिमिटिव स्ट्रीक अपन ये पूंछ जैसी जो स्ट्रीक दिखा रहे हैं ना इसके अंदर निकली हुई, जिसको आप ग्रू कहते हैं, ये एपिब्लास्ट के डॉर्सल सरफेस पर दिखाई दे रहा है। अब गैस्टुलेशन, इसमें क्या होता है, ये एपिब्लास्ट अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रहा है। 14वें और 15वें दिन ये रिप्लेस हो जाता है, ये रिप्लेस कर देता है हाइपोब्लास्ट को और क्या बना लेता है, एंडोडर्म। ये एपिब्लास्ट अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होकर के हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस करके एंडोडर्म बना रहा है। 16वें दिन मीजोडर्म बन जाती है, एक ये नई थर्ड लेयर है जो एंडो और एक्टो के बीच में बन रही है, और एपिब्लास्ट रिमेन जो सरफेस है, रिमेनिंग सरफेस बनाएगी, मतलब एक्टोडर्म बनाएगी। तो एपिब्लास्ट ने रिमेनिंग सरफेस एक्टोडर्म बना ली, 14वें 15वें दिन हाइपोब्लास्ट को रिप्लेस कर दिया था इस एपिब्लास्ट सेल्स ने जिसे एंडोडर्म बनेगी थी, और इन दोनों के बीच में 16वें दिन क्या बनती है, मीजोडर्म, जो कि एक नई थर्ड लेयर है। वही डायग्राम बड़ा करके, ये वाला हमने पढ़ लिया था, ये 14वें 15वें लेयर रेड कलर से आपको मीजोडर्म दिखाई गई है, ठीक है। तो वही डायग्राम है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अब मेजर डेरिवेटिव्स देखिए एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से क्या क्या बन रहा है, तो पहले ऊपर वाला डायग्राम देख लेते हैं। देखिए ये नोटोकॉर्ड बनती हुई दिखाई गई है, न्यूरल ट्यूब बनेगी, ये सरफेस एक्टोडर्म है, ये न्यूरल क्रेस्ट है। सरफेस एक्टोडर्म को दूसरे डायग्राम में भी देखिए, ये न्यूरल क्रेस्ट कैसे अब ग्रो हो रही है, ये न्यूरल ट्यूब बताई गई है, ये सोमाइट्स और ये नोटोकॉर्ड।
अब देखिए, सबसे बाहर थी एपिब्लास्ट, जिसने क्या बनाया था, एंडोडर्म और एक्टोडर्म। एपिब्लास्ट ने एक्टोडर्म एंडोडर्म बनाए और मीजोडर्म बनाई, तीन लेयर्स बन गई, एक्टोडर्म मीजोडर्म और एंडोडर्म। एक्टोडर्म तो आगे जाकर के एपिडर्मिस बनाएगी, हेयर नेल और स्किन की ग्लैंड्स बनाएंगी। इसके अलावा इसी एक्टोडर्म से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनते हैं और न्यूरल क्रेस्ट बनता है। न्यूरल क्रेस्ट क्या है भाई, सेंसरी नर्व सेल्स और कुछ नर्वस स्ट्रक्चर हैं, पिगमेंट सेल्स हैं, स्केलेटन का पोर्शन है, हेड और नेक की ब्लड वेसल्स है, ये सब बन रही है एक्टोडर्म से। एंडोडर्म से क्या बनती है, एपिथीलियल लाइनिंग बनती है और डाइजेसिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की ग्लैंड बनती है। डाइजेसिव रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एपिथीलियल लाइनिंग और ग्लैंड्स बनाएगा एंडोडर्म, तो वो एपिथीलियल लाइनिंग थी और एक्टोडर्म में एपिडर्मिस बनाई थी। अब देखिए, मीजोडर्म बहुत सारे स्ट्रक्चर बना रहा है, एक तो नोटोकॉर्ड बनाएगा, एक सोमाइट बनाएगा, एक इंटरमीडिएट मीजोडर्म बनाएगा, एक लेटरल प्लेट बनाएगा मीजोडर्म की। लेटरल प्लेट से सोमैटिक मीजोडर्म और स्प्लैनिक मीजोडर्म, दो मीजोडर्म बनती है। नोटोकॉर्ड न्यूक्लियस पल्पोसस बनाएगा इंटरवर्टिब्रल डिस्क का, नोटोकॉर्ड से इंटरवर्टिब्रल डिस्क, वर्टिब्रल कॉलम में पढ़ते ना अपन, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का न्यूक्लियस पल्पोसस बनाएगा। सोमाइट स्क्लेरोटॉम बनाएगा वर्टिब्री और रिब्स की। डर्मेटॉन बनाएगा स्क्लेरोटॉम, डर्मेटॉन, मायोटॉम, तीन स्ट्रक्चर है, स्क्लेरोटॉम, डर्मेटॉम, मायोटॉम, जो किससे बन रही है, सोमाइट से बन रही है। स्क्लेरोटॉम तो वर्टिब्री रिब्स की, डर्मेटॉन डॉर्सल बॉडी रीजन की डर्मिस और मायोटॉम ट्रंक और लिम्ब मस्क्यूलेचर स्ट्रक्चर बनाता है। तीसरी थी इंटरमीडिएट मीजोडर्म, जो कि किडनी और गोनाड्स बनाएगी। लेटरल प्लेट जो मीजोडर्म की थी, जिससे सोमैटिक मीजोडर्म और स्प्लैनिक मीजोडर्म बना, सोमैटिक मीजोडर्म बनाता है पैराइटल सिरोसा, वेंट्रल बॉडी रीजन की डर्मिस, लिम्ब्स की कनेक्टिव टिश्यू जैसे बोन्स, जॉइंट्स और लिगामेंट्स। स्प्लैनिक मीजोडर्म डाइजेसिव और रेस्पिरेटरी ट्रैक की वॉल बनाता है एपिथेलियल लाइनिंग के अलावा, विसरल सिरोसा हार्ट और ब्लड वेसल्स बनाता है। ठीक है, तो ये एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर की मेजर डेरिवेटिव्स हैं। नोटोकॉर्ड देखिए भाई, जो हम बार बार बोल रहे हैं, 16वें से 18वें दिन बन रही है। ये प्रिमिटिव नोड एपिब्लास्ट सेल्स है जो आके इन्वेजिनेट होएगी और माइग्रेट, एंटीरियली माइग्रेट हो जाती है कुछ एंडोडर्म सेल्स के साथ में। ये रॉड जो है, रॉड डिफाइनिंग द बॉडी एक्सेस इज फॉर्म्ड, बॉडी एक्सेस बन रही है, ऐसी रॉड डिफाइंड होती है जिससे बॉडी एक्सेस बन रही है और यही आगे जाकर के वर्टिब्रल कॉलम बनाएगी, यानी वर्टिब्रल कॉलम की फ्यूचर साइट होती है। नोटोकॉर्ड क्या है, वर्टिब्रल कॉलम की फ्यूचर साइट। वही डायग्राम, एमनियोटिक सैक और यॉर्क सैक, ये इसका प्लेन सेक्शन दिखाया गया है। अभी ये बड़ा करके बताया गया है, प्रिमिटिव नोड बताई गई और प्रिमिटिव स्ट्रीक बताई गई है। यही जाके प्रिमिटिव स्ट्रीक वगैरह, नोड वगैरह जो है वो क्या बना रही है, नोटोकॉर्ड बना रही है। एमनियन तो दिखाया हुआ ही है, हेड बताई गई है, एक्टो मीजो और एंडोडर्म बनाएगी एम्ब्रियोनिक सैक से, सॉरी एम्ब्रियोनिक डिस्क, ये तीनों एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो एक्टोडर्म तो देखिए ऊपर, उसी से एमनियन से, ये मीजोडर्म बीच में, ये एंडोडर्म इस हाइपोब्लास्ट है, ये यॉर्क सैक एकदम क्लियर, ये इसका सेक्शन, बी सी सेक्शन दिखाया गया है। एक्टो एंडो लेफ्ट राइट में, ये नोटोकॉर्ड, ये इन्वेजिनेट हो रही है मीजोडर्मल सेल्स, ये यॉर्क सैक। अब न्यूरुलेशन, नोटोकॉर्ड सिग्नल देती है, सिग्नल्स ओवरलाइंग एक्टोडर्म, ओवरलाइंग एक्टोडर्म पर नोटोकॉर्ड सिग्नल है। ये न्यूरल ट्यूब जो है अब डेवलप होएगी जब ये न्यूरल प्लेट, भाई देखो इनिशियली तो ये क्या होती है, प्लेट की फॉर्म में डेवलप होती है, जो कि आगे जाकर के क्लोज होकर के, न्यूरल प्लेट और न्यूरल फोल्ड आगे जाकर के क्लोज होते हैं। इस प्रोसेस को आप न्यूरुलेशन कहते हैं और क्लोज होकर के वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको न्यूरल ट्यूब कहते हैं। भाई इनिशियल स्ट्रक्चर में तो क्या है, न्यूरल प्लेट, न्यूरल फोल्ड, पहले न्यूरल प्लेट है जो कि फोल्ड होती है और क्लोज होती है और एक ट्यूब बनाते हैं जिसको आप न्यूरल ट्यूब कहते हैं, और इसके बनने के प्रोसेस आप न्यूरुलेशन कहते हैं, जो कि 21 से 26वें दिन चलता है ये प्रोसेस, ये याद करिए। क्योंकि न्यूरल ट्यूब कई बार डेवलप नहीं होता, कुछ फीटस के अंदर ही न्यूरल ट्यूब नहीं बनती, न्यूरुलेशन का प्रोसेस सही नहीं चलता। किन में नहीं चलता, उन फीमेल्स के अंदर जिनमें फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी पाई जाती है, तो एक डिफेक्ट रह जाता है जिसमें न्यूरल ट्यूब खुली रह जाती है। इस डिफेक्ट को आप कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, NTD, इट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर।
तो ये देखिए हेड बताया गया, ये कट एज एमनियन, ये प्रिमिटिव स्ट्रीक, ये एक्टोडर्म की सरफेस, ये न्यूरल प्लेट दिखाई गई, तो ये फ्लैट प्लेट के रूप में है, और ये फ्यूचर न्यूरल क्रेस्ट दिखाया गया है इसके साइड में, ये नोटोकॉर्ड है। ये अब इस तरह से जो है ये बन रही है, एमनियन, एमनियोटिक कॉर्ड, न्यूरल प्लेट, न्यूरल प्लेट एकदम प्लेट की फॉर्म है, ये एक्टोडर्म, मीजोडर्म, नोटोकॉर्ड, एंडोडर्म और यॉर्क सैक। ये न्यूरल फोल्ड दिखाए गए हैं, ये सोमाइट है, ये एमनियन की कटैच बताई गई है, ये डेवलप होएगा आगे। तो सरफेस एक्टोडर्म, न्यूरल क्रेस्ट, न्यूरल ट्यूब डायग्राम तो पहले भी आपने देखे थे। अब ये न्यूरल ट्यूब का क्लोजर जो है वो शुरू होता है तीसरे हफ्ते के एंड पर और कंप्लीट होता है चौथे हफ्ते के एंड पे। तीसरे हफ्ते के एंड पे तो क्लोज होनी शुरू होती है, चौथे के हफ्ते के एंड तक ये पूरी तरह से क्लोज हो जाती है और एक्सटेंड करके क्रेनियली एक्सटेंड करती है, इवेंचुअली ब्रेन और कॉडली स्पाइनल कॉर्ड बनाती है। क्रेनियली ब्रेन और कॉडली स्पाइनल कॉर्ड के रूप में एक्सटेंड होती है। न्यूरल क्रेस्ट जो है वो लेटरल एक्टोडर्म सेल्स, न्यूरल क्रेस्ट लेटरल एक्टोडर्मल सेल्स पुल्ड अलोंग एंड फॉर्म सेंसरी नर्व सेल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स। ये आगे जाकर के खींच करके सेंसरी नर्व स्ट्रक्चर्स और दूसरी सेंसरी नर्व सेल्स और दूसरी स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करता है। बस इस तरह से अपन ने क्या पढ़ा कि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है, उसमें कैसे न्यूरल ट्यूब बनती है, कैसे ब्रेन बन रहा है और कैसे स्पाइनल कॉर्ड बन रही है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, और इसको ध्यान से पढ़िएगा, नहीं समझ में आए तो मुझसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं।